वेलकम यू ऑल इन द बगड़ियावाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 6 लर्निंग HTML एंड CSS. द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस. इन फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टैग इन HTML. इनमें से कौन सा वैलिड टैग है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए में यहाँ पे बी टैग दे रखा है, बी फॉर बोल्ड. जो अपन जो भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो अपन बी टेक का यूज करते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी एलिमेंट. इनमें से कौन सा एम्प्टी एलिमेंट है? तो यहाँ पे एम्प्टी एलिमेंट होगा आपका बी आर. लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है, ये एक एम्प्टी एलिमेंट होता है. जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो टैग होते हैं अपन कहते हैं एलिमेंट. एलिमेंट आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज कंटेनर. कंटेनर वो जिसको ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं. और जो आपका एम्प्टी एलिमेंट होता है उसको अपन क्लोज नहीं करते, ओनली कंटेनर को ही क्लोज किया जाता है. तो यह आंसर होगा बी आर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज चेंज द कलर ऑफ द बैकग्राउंड फॉर ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए जो प्रॉपर्टी आती है उसे अपन कहते हैं कलर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड हेडिंग टैग इन HTML. यहाँ पे वैलिड हेडिंग टैग है वो कौन सा है? तो अगर अपन देखें तो जो हेडिंग टैग होता है वो H1 टू H6 होता है. तो यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है H6. तो आंसर होगा अपना A. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू एम्बेड CSS इन एन HTML डॉक्यूमेंट. अपने HTML डॉक्यूमेंट में CSS को ऐड करने का जो करेक्ट वे है वो कौन सा है? इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल, ये तीनों ही वे है. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, डी. नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी हेल्प अस टू स्क्रॉल एन इमेज ऑन एन HTML पेज. किसी भी HTML पेज में किसी इमेज को स्क्रॉल करने के लिए जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी, ए. नेक्स्ट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स. एन HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट विथ द HTML टैग, ये ट्रू है. कोई भी HTML एलिमेंट होता है या सॉरी HTML डॉक्यूमेंट होता है वो HTML टैग से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट, द इंटरनल CSS मेथड एड ए लिंक टू द CSS फाइल इन द हेड टैग. जो आपका इंटरनल CSS मेथड है उसके अंदर एक लिंक है वो आपके हेड के अंदर ऐड किया जाता है, तो ये फॉल्स है. लिंक आपका ऐड होता है एक्सटर्नल CSS के अंदर. नेक्स्ट इज द यू टैग इज यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, ये ट्रू होगा. जो यू टैग है वो अंडरलाइन के लिए यूज होता है. नेक्स्ट, द पी टैग इज ए कंटेनर टैग. पी फॉर पैराग्राफ. पैराग्राफ टैग एक कंटेनर टैग होता है, ये भी ट्रू है. नेक्स्ट, टैग नेम्स आर केस इनसेंसिटिव. जो टैग नेम है वो केस इनसेंसिटिव होते हैं, तो ये ट्रू है. इट मीन्स आप हेड अगर कैपिटल में लिखते हो या आप हेड स्मॉल में लिखते हो तो ये दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे? एक ही जैसे होंगे. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. द प्रॉपर्टीज यूज टू हैंडल द बैकग्राउंड इन CSS. जो आपके CSS के अंदर है बैकग्राउंड को हैंडल करने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो अपनी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट, एलिमेंट डिस्प्ले द टेक्स्ट ऑन ए न्यू लाइन. न्यू लाइन में टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए अपन ने जैसे अभी पहले ही क्वेश्चन आया था BR टैग का यूज करेंगे. नेक्स्ट, HTML डॉक्यूमेंट आर व्यूड यूजिंग ए वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर से अपन HTML डॉक्यूमेंट को व्यू करते हैं. नेक्स्ट, द एलिमेंट कंटेन ओनली द स्टार्ट टैग. ऐसे एलिमेंट जो ओनली स्टार्ट टैग कंटेन करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं. नेक्स्ट इज अ टैग इज यूज टू मेक द टेक्स्ट अपियर इन इटैलिक. इटैलिक के लिए अपने आता है आई टैग. नेक्स्ट, डिफाइन HTML व्हाट इट्स यूज. HTML को डिफाइन करना है तो देखिए आप यहां पे देख पा रहे हैं HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस. HTML है एक मार्कअप लैंग्वेज है और उसका यूज किस लिए किया जाता है? जो आपके वेब पेज बनाने के लिए. नेक्स्ट इज वाट आर HTML टूल्स. HTML टूल्स कौन से होते हैं? तो गिव द एग्जाम्पल्स. देखिए यहाँ पे जो HTML एडिटर होता है वही HTML टूल्स होता है. तो यहाँ पे दे रखा है एन HTML एडिटर और टूल इज अ सॉफ्टवेयर फॉर एडिटिंग एंड क्रिएटिंग HTML कोड. देर आर टू टाइप्स ऑफ HTML एडिटर्स, ए वैसिविक वॉट यू सी इज वॉट यू गेट एडिटर एंड ए टेक्स्ट एडिटर. टेक्स्ट एडिटर अपना अपन काम में रहता है नॉट पैड. तो ये अपना आंसर होगा सेकेंड का. थर्ड इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने थर्ड का आंसर लिखा है. सबसे पहले HTML टैग है, देन हेड, देन टाइटल. टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर, देन टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, देन बॉडी स्टार्ट,
बॉडी के अंदर आप जो भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो आपके पेज पे शो होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज माय फर्स्ट पेज और देन बॉडी क्लोज और एचटीएमएल क्लोज। तो ये आपका एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ अप्लाइंग सीएसएस। सीएसएस अप्लाई करने के लिए डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल मेथड। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑल द बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज ऑफ सीएसएस एंड देयर यूजेज। जो आपके अलग अलग जो भी प्रॉपर्टीज है जो आपकी सीएसएस की है और उनके यूजेज अपन को बताने हैं। तो प्रॉपर्टीज नेम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड कलर। इसका अपन को यूजेज भी बताना है। तो देखिए अपन इसके यूजेज है, मैं आपको बता देता हूँ। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, तो देखिए यहाँ पे आता है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के अंदर अपन देखते हैं तो सबसे पहले आता है बैकग्राउंड इमेज फर्स्ट है, सेकंड आता है जो बैकग्राउंड इमेज है, दिस प्रॉपर्टीज यूज टू सेट एन इमेज एज ए बैकग्राउंड इमेज, ये अपन को लिखना है इतना ही। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड रिपीट, दिस प्रॉपर्टीज यूज टू स्पेसिफाई वेदर द बैकग्राउंड इमेज इज टू बी रिपीटेड और नॉट। नेक्स्ट अपना आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई वेदर बैकग्राउंड इमेज इज फिक्स और स्क्रॉल विद द पेज। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड पोजिशन प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज, जो बैकग्राउंड इमेज की पोजिशन है उसके लिए आती है। और यहाँ पे आता है बैकग्राउंड कलर, तो ये किसके लिए आता है? बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर। थैंक यू।